नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो वज्जायारम नमो दोई सब सागुर सुधात्मान मनेकांतम साधमत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्योजयन धर्मोत्सव मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमोता हि आत्मे भई अर्हंतालिमान हिम आत्मा बुद्धात्मैव परत्वेनैव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पर की ओर देखना, पर के प्रति जिज्ञासा होना देखने की पतन का मार्ग है। पर द्रव्य जानने योग्य नहीं है, ज्ञान में आ जाने योग्य तो है लेकिन जानने योग्य नहीं। पर द्रव्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसके जानने पर आनंद हो। चलो ए, मैं पीछे देखा क्या देखो, वहां कुछ है ही नहीं, वहां कुछ है ही नहीं, वहां उजाला भी नहीं है। चलो मेला देखा, मेला में कुछ है ही नहीं, भैया क्या देखा, वहां का प्रवचन हो रहा है, विधान हो रहा, क्या हो रहा, मेरा का देखना, वहां कुछ है ही नहीं। वैसे परद्रव्य में अथवा अखिल विश्व में देखने योग्य कुछ भी नहीं है। एक बात विचार करो बार बार, केवल ज्ञान में आत्म स्वभाव के जानने पर सारा लोकालोक जानने में आता सहारा लोका लोग जानने में आता है, परंतु सुख कहां से आता है जो बताओ। एक अलमारी में एक डिब्बे में अकेली शक्कर रखी, मिठास के लिए पर्याप्त है, और एक अलमारी में एक में दाल रखी, एक में चावल रखे, एक में गेहूं रखे, एक में धनिया रखी, एक में मिर्ची रखी, एक में हल्दी रखी और एक में शक्कर रखी, ये बताओ मिठास कहां से आएगा। अरे ज्ञान में सारा लोकालोक भी झलक जाए तो तुम्हारा सुख तो तुम्हारे में से आएगा, तुम काय को मरे आ रहे, क्यों देखने के लिए लार चपक रही है, क्यों चखने के लिए लालायत हो रहा है। नहीं कहते पंचेंद्री के विषयों में ग्रहण करने लायक कुछ भी नहीं है। जैसे अपना स्वभाव पर से शून्य है, ऐसे ही परद्रव्य भी अपने से शून्य है, अपने लिए शून्य है, देखने लायक ही नहीं है। भोगने लायक की बात तो बहुत दूर बाद की हो गई ना, और देखने में और जानने में अथवा भोगने में क्या अंतर है, जानने में और भोगने में क्या अंतर है। जानते हुए हर्ष विषाद होना इसका नाम भोगना है, और जानते हुए हर्ष विषाद नहीं होना इसका नाम जानना है, इसका नाम है जानना। और ये बड़ा सुंदर कागज है, बड़ा सुंदर छपाई है, बड़ी सुंदर की पुस्तक है, इसका नाम भोगना। अरे छपाई बहुत बेकार है, कागज बहुत रद्दी लगा दिया, इसका नाम भोगना। हर्ष विषाद होना इसका नाम है भोगना, और जानते हुए बस मात्र जानना, हर्ष विषाद नहीं होना इसका नाम है जानना, ज्ञाता दृष्टा है। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मच्छर मोह विनश जावे, सुख में नहीं जीनर हर्ष करें, दुख में न विषाद करें मन में,
ज्ञानी अपने ज्ञानमय आनंद को ही भोगते हैं, माने उसे ज्ञान को देख करके आनंदित होते बस, पर द्रव्य के प्रति उदासीन है, पर द्रव्य के प्रति उदासीन। उदासीन माने निरपेक्ष, उदासीन का मतलब द्वेष नहीं, मोह फैला हुआ है, हमें नहीं देखना, हमें नहीं सुनाई सुनना, इसका नाम उदासीनता नहीं है। पदार्थ ज्ञान में आभासित होते हुए भी उनमें न अपनत्व खड़ा होना, विकल्प नहीं होना, अपनत्व का संकल्प, न अच्छे का इष्ट का संकल्प होना, विकल्प होना, न अनिष्ट का विकल्प होना। इसी को एक असंग विचरता, असंग असंग असंग। संग में भी असंग को ध्याने की जो चर्चा है वो यही है। तो ये पुद्गल देखने लायक नहीं है, हे भव्य, यह तो अपने से च्युत होकर के परद्रव्य को जानने जाएगा तो वहां विमोहित हो जाएगा। बच्चे को किसी काम से भेजो तो बच्चे का लक्षण है जहां खेल होगा वहीं रम जाए, बुझाए गई। बच्चा उसको जाने के लिए भेजो, बोल गए वो नहीं, वो वहीं अटक जाए। इसी का नाम बच्चा है, ना समझ इसी का नाम है। वो समझदार होगा तो हम सब्जी लेने जा रहे, ए, खेल ले, हम सब्जी लेने जा रहे तो खड़े खड़े देखो कहना ही हम सब्जी लेने जा रहे। अपने लक्ष्य को ना भूले वो तो समझदार है, और अपने लक्ष्य को भूल करके वहीं अटक जा चाहे कहीं, उसका नाम ना समझ बाल। ये बाल व्रत बाल तप इसीलिए तो कहे गए हैं कि अपने लक्ष्य को भूल गया है, संतुष्ट है, कहते रहे हैं हमने पूजा कर ली, हमने स्वाध्याय कर लो, हमने व्रत कर दिया, हमने तप कर लिया, हमने एकासन कर लो, हमने उपवास कर दिया। अरे तुमने कर दिया, तुमने कुछ नहीं किया। वेद ज्ञान, वेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है, सदगुरु बार बार समझावे यही राग बंद की डोरी है। दुख सुख तो नहीं होगा, कुछ दुख होगा, सुख का नहीं होना ही दुख है, ये समझ लेना। सुख का न होना ही दुख है, धन का न होना निर्धनता है, बुद्धि का न होना ही मूर्खता है, मूर्खता बुद्धि का न होना ही मूर्खता है, और कुछ मूर्खता है? धन का न होना निर्धनता है, है? कुछ कह गए? अरे भाई सामान्य बात कर रहे हूं, धन का न होना निर्धनता, तो बैरात्मा मुंडाज को भी निर्धनी मान बैठ गए, बेचारे इन पर कछु नहीं है, वे कितो ठंड सह रहे, कितो कष्ट सह रहे, अरे कितने आनंद में है देखो पहले, फिर बेचारे कितो कष्ट सह रहे देखो, नहीं नंगे हो गए निकलो तब पथो पड़े तुम, तुम बैरात्मा हो तुम्हें पथो का पड़े, तुम निकल ही नहीं पाओगे, तुम्हें शर्म आएगी, तुम्हें ठंड लगेगी, तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हें प्यास लगेगी, तुम बैरात्मा हो, बाहर दृष्टि है तुम्हारी। मुंडाज की दृष्टि बदल गई है, मुंडाज की दृष्टि बदल गई, उन्होंने अपना सर्वस्व अपने में देख लिया है, अपने में तृप्त है, इसीलिए सच्चे त्यागी हैं, किसी पदार्थ की अभिलाषा नहीं। कितनी सुंदर प्यारी भाषा लिखी है, परद्रव्य को जानने के प्रति इनका उत्साह निवृत्त हो गया है। निवृत्ति उनका मतलब ये है, निवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति, तुमने जाने कहा निवृत्ति मान ले, ब्याह नहीं करेंगे बस,
पर को जानने का उत्साह, निवृत्त हो जाना, इसका नाम निवृत्ति है। पर को जानने का उत्साह निवृत्त क्यों होना हो गया, कैसे हो गया? कि भाई सुखी होना चाहता था तो अपने को जानते ये सुखी हो गया, आप पर को देखने की जरूरत नहीं। एक नया डॉक्टर आया, उसने क्लिनिक खोला, चलो दिखाया ना। अरे भैया हमको ठीक हो गया, हमें कोई दिखाने की जरूरत ही नहीं। चलो भाई अलग से भोजन बनाए घर पे, आप घर पे भोजन कर लेना। भाई हम भूखे ही नहीं, आप तृप्त हो गए, हमको भोजन कर लिया। कैसी सुंदर सुंदर बात भक्ति है। करुणो कछु न करंते कारज, ताते पाण पुलंब करे हैं। है? रहो न कछ पायते पैबो, ताई ते पग नाई चले हैं। है? निरख चुके नैनन सब जाते हैं, नैन नाश का अनि धरे हैं। कानन कहा सुने यो कानन, जोग लीन जिंदाज खड़े। कानन माने कान और कानन माने जंगल। कर्णों कछ न करंते कारज, ताते पाण पुलंब करे हैं। निरख चुके नैनन सब याते, नैन नाच का अनि धरे हैं। रहो न कछ पायंत पैवो, कहीं चलना अब रही नहीं, कहाँ का करें, कहाँ आए। और क्या बढ़िया है, कानन कहा सुने हो कानन, जोगली जिंदाज। सर्व विषयों के विशेषों में एक साधारण संवेदन होने के कारण रस वेदना परिणाम को चाकर रस नहीं सकते, स्पर्श वेदना को के पूर्वक स्पर्श नहीं करते। चार से बोलो। अरे सामान्य संवेदन है, सामान्य रूप से सबको देख रहे हैं, इनको अलग से देखने की अभिलाषा नहीं हो रही, कोई कष्ट नहीं है। रस को वेदन करने की कोई तकलीफ नहीं है और रस का वेदन अलग से कर भी नहीं गए, सामान्य रूप से झलक रहा। स्पर्श के लिए कोई तकलीफ नहीं है कि स्पर्श करें और स्पर्श करते हुए कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। जिसका तुम्हें स्पर्शन इंद्रिय ऐसे ज्ञान हो रहा है, वैसा ज्ञान उन्हें वैसे ही हो रहा है। ऐसे तुम देखोगे, ऐसे तुम करोगे, एक्सरा करोगे, फलानो करोगे, ऐसा तो बैठी ऐसे निगाह देख के बता दी तुमने, ये तकलीफ है। ये ज्ञान का महात्मा, ज्ञान की दिव्यता है। इंद्रियों से रहित हैं फिर भी इंद्रिय के गुणों से पुष्ट है। इंद्रियों से रहित हैं फिर भी इंद्रियों के गुणों से तृप्त हैं, पुष्ट हैं। मतलब इंद्रियों से जो काम होता है हम बिना इंद्रियन कर रहे। तुम चश्मा से देखो हम बिना चश्मा देख रहे, ऐसे हम तुम आंख से देखो हम बिना आंख के देख रहे, ये कहना। बहरा आदमी मशीन लगा के भी नहीं सुन पाएगा स्पष्ट, और तुम बिना मशीन के सुन रहे, सुन रहे भी नहीं सुन रहे। ऐसे ही तुम कान से जैसे सुन पाए वैसे तो बिना कान के सुन रहे। तुम कहा सुना रहे, रो रो के सुना रहे हो, गाय गाय के सुना रहे हो, बजा बजा के सुना रहे, नाच नाच के सुना रहे, तुम कहा सुना रहे? बीस साल सुन रहे तुम्हारी, तुम उनकी सुनो, तुम्हें उनकी सुनने हैं, तुम्हारी सुनाई भी तुम एक दफे को नहीं सुनाओगे तो चल जाएगी। हमने कहा था ना भैया कि वैद्य के समीप जाकर के अपनी तकलीफ नहीं भी कहो तो भी वो कर ले। कई योगी ऐसे आते हैं बेचारे, बिल्कुल हो सही नहीं, और डॉक्टर देख करके सब समझ जाते, वो कुछ कहते हैं लेकिन डॉक्टर की अगर नहीं सुनेगा तो नहीं चलेगा। अगर भगवान को नहीं सुनाएगा तो भी एक दफे को चल सकती है, सुनाए बिना रहेगा नहीं थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं सुनाएगा तो भी चल सकती है।
लेकिन अगर डॉक्टर की वैद्यकी नहीं सुनेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे लोग बहुत विचित्र होते हैं, माने कहीं सफल नहीं होते, ये मानी के लक्षण हैं। अपनी सुनाए देखो तैयार हैं और दूसरों कह रहे हो भाई सुन ही नहीं रहे, तुम क्या कह रहे हो हम सुन ही नहीं रहे, बस उन्हें की देख धारणा वही समझ में ही नहीं आता, वही समझ में ही नहीं आता। अरे समझे तो समझ में आएगी भैया, समझे तो समझ में आए, समझाने से थोड़ी समझ में आती है। ज्यादा पानी देने से वृक्ष में जल्दी फल थोड़े आ जाएंगे, ज्यादा पानी देने से वृक्ष में जल्दी फल आ जाएंगे क्या? ऐसे ज्यादा समझाने से क्या जल्दी समझ आएगा? न समझने वाला समझ जाएगा क्या? विचार करो भाई, पर को देखने की अभिलाषा ये पाप है, पतन का मार्ग है, तुम्हें अभिलाषा क्यों हुई? चलो देख आ का देख आ। कई बार ऐसे प्रसंग बन जाते हैं, अली मैं चल के देख रही हूं, हम तो वहां जाकर देखेंगे, हम यही देख रहे हो, इसके बाद ये होगा, वहां ये हो रहा होगा, चलो वो मैं शादी में देख ले, हमें मालूम है शादी में क्या हो रहा है, हैं मेला में देख ले तो मेला में हमें मालूम क्या हो रहा है, वहां कुछ देखने लायक नहीं है। पंडित सदा सुखदास जी ने बड़ी सामान्य सी बात कह दी, ये मेला ठेला देखना परिणाम बिगाड़ते, इसलिए त्यागियों को तो विशेष रूप से भैया बचना चाहिए। हम ये कह रहे हैं सबसे प्रश्न तो हमारा ये है, तुम्हें देखने की अभिलाषा नहीं क्यों है, तुम ऐसे देख रहे कहा देख रहे क्यों देख रहे? ये परीक्षा भवन में अपराध है कि नहीं? तो इस विश्व में भी अपराध है, तुम देख कर रहे कहे देख मेरा खराब है, नेह खराब कहा है क्या? अपनी की ओर नहीं देखता है पर की ओर देखना चाहता है, ये नेह खराब हो गई। अब ईश्वर में ईश्वर बात है, नेह खराब है और एक सूक्ष्म में सूक्ष्म बात है, कुछ भी देखने लायक नहीं है भाई। संभोषण की रचना हो गई, भगवान को ये विकल्प नहीं आया, नहीं देख तो नहीं कहती भाई, नहीं देख तो नहीं को आओ को नहीं आओ, कुछ नहीं। मुनिराजों ने उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद कौन ने मानी कौन ने नहीं मानी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुमने कहा अर्थ लगाओ कि तुम जानो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने अनर्थ उसका ग्रहण कर दिया और मत मतांतर चला दिए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम्हें उसको प्रमाणित करना चाहिए। एक हिंदुस्तान का व्यक्ति विदेश में कहीं गया, सो उसको कुछ पैसा की जरूरत पड़ गई, तो उसने एक बड़े दुकानदार से कहा ऐसे ऐसे हम हिंदुस्तान से आए भैया हमको थोड़े पैसे, बोले ले लो, उसने पैसा दे दिया। हिंदुस्तान का आदमी बोले लिख ले, नहीं कि लिख ले, बोले हम ही दें और हम ही लिखें, तुम लिखो भाई, तुमने लिए ना तो तुम लिखो, तुम्हें देने हमारे यहां तो आए हैं तो जमा कर लिए, नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, हम ही दें और हम ही लिखें, उल्टी धारा। तुम्हें पर को देखने की अभिलाषा क्यों होती ये बताओ, तुम्हारे मन में पाप है, जानने में आ जाना ये स्वभाव है, लेकिन जानने की जिज्ञासा होना ये पाप है। इच्छा पहली विषय ग्रहण की इच्छा, विषय ग्रहण की इच्छा माने बोलो बोलो, विषय ग्रहण की इच्छा माने
देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, चखने की इच्छा, स्पर्शने की इच्छा, ये इच्छा होना पाप है, दुखी हो इसका मतलब। और इच्छा की पूरी होने पर तृष्णा हो जाएगी। पराश्रय से तृष्णा, स्वाश्रय से संतोष तुष्टि। इतना स्वाध्याय बहुत है भैया, क्या कुछ भी देखने लायक नहीं है? सुनो तो सुनो तो, अरे कुछ भी सुनने लायक नहीं है, न चखो तो कुछ भी चखने लायक नहीं है। लौकिक व्यवहार में भी आप इस फॉर्मूले को अपनाएं, लेकिन यहां इतना लगा लेना अप्रयोजन भूत और प्रयोजन भूत। अप्रयोजन भूत सुनते रहो सुनते रहो, कहा सुना, देखो बढ़िया गाना आ रहा है, कहा सुने, जिंदगी कैसे बर्बाद करते पढ़ने वाली बच्ची, बंद करे मोबाइल और सुन रहे, फोन लगाइए फोन लगाई गाना सुन रहे, और उसमें हम पढ़ाई कर रहे, वो फलाना कर रहे, वो सुन रहे गाना, ठीक है सामने वाले को तुमने कह दिया गाना सुन रहे हो, वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सुन रहे हो तो फल तो उसका आएगा, उपयोग तो वहां है तुम्हारा। पाप छिप करके भले करो, लेकिन भोगना तो पड़ेगा तुम्हें, पाप छिप करके भले करो लेकिन भोगना तो पड़ेगा तुम्हें अकेले को। कहे भैया जी कछु नहीं, मैं प्रवचन सुन लीजा, अरे प्रवचन ही सुनो, एक नियम ले लो ना, अकेला प्रवचन सुनेंगे, प्रवचन कितना सुनते हो और प्रवचन के छल से और कितना सुनते हो, कितना करते हो बात उसका उपयोग करो प्रतिज्ञा। अगर तुम ये इस छल से तुमने लिया कि प्रवचन सुनना है, कर लो प्रतिज्ञा इतनी कि केवल प्रवचन ही सुनेंगे, बोलो। देखो मुनराज को या ब्रह्मचारी को स्त्री मात्र का त्याग, और ग्रस्त के शील व्रत में पर स्त्री का त्याग, बस इतना अंतर हो गया, एक लोक व्यवहार की मर्यादा हो गई, वहां स्त्री मात्र का त्याग और यहां पर स्त्री का त्याग। पर स्त्री का मतलब क्या होता है, चरण योग पद्धति से बताओ, वो आत्मा आत्मा नहीं करना अनुभूति, और वो पर स्त्री माने क्या होता है, पंचों की साक्षी से, पिता की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा से वरण की गई स्त्री को छोड़ करके सारी परिस्थिति हो गई, माता बहन पुत्र। अब देखने का भाव क्यों होता है ये बता, क्यों बात करने का भाव होता है। एक लड़की थी, वो उसका भाई था, तो भाई से बात कर रही, और वो भाई तो एक दिन उसने कह दिया तुम्हें गर्ली फ्रेंड मिलते हैं, लड़के फ्रेंड नहीं मिलते, बॉयफ्रेंड नहीं होते थे, तुम्हें लड़कियों के साथ दोस्ती करने में क्यों मजा आता है, लड़के के साथ क्यों नहीं दोस्ती कर पाते, ये बताओ तुम्हारे मन में कोई बात है। तो परद्रव्य को देखने का भाव, चखने का भाव, स्पर्शने का भाव, सुनने का भाव, पतन का द्वार, बस ऐसे पतन। मालूम है ये नदियों में कैसे डूबते लोग, जरा सी स्लिप हुआ चले गए, चलते चले गए, ऐसे अपने से मत्स्युत, ये सब साथ में रखना, अपने से चुत हुआ अब दुखी होगा नियम से,
अपने से च्युत होने का मतलब क्या है बोलो? दुखी होना। जिन्हें दुखी होना वो भी अपने से च्युत होना। व्यवहार में हमने कहा था आपको, निश्चय में से जो आत्मा का स्थान है व्यवहार में से, वही अरहंत भगवान का स्थान है, सिद्ध भगवान का स्थान है, गुरु का स्थान है। गुरुओं से दूर होने का मतलब है भटकना, दुखी होना। भगवान को भूलने का मतलब है संसार खड़ा होना। शास्त्र का अनादर का मतलब है दुनिया में अनादर होना। अब कहीं आदर नहीं होगा तुम्हारा। अगर शास्त्र का अनादर करोगे, देव का अनादर करोगे, गुरु का अनादर करोगे, और तुम पैसा के बल के आदर प्राप्त करना चाहो, ठीक है, स्वार्थी लोग तुम्हारी दो चार मिनट वैसे साफ साफ कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना अनादर होना पड़ेगा। देव गुरु शास्त्र के अनादर के समान कोई पाप नहीं है। ये व्यवहार है, निश्चय में कहेंगे तो आत्मा के देव शास्त्र गुरु के द्वारा बताए गए आत्मा का अनादर करना, आदर यह सिख आदर, ये सिक्खा का आदर न करना। ये भाई आदर नहीं करना काय का, क्रोध नहीं करना चाहिए, आदर करो इसको, बड़े आदर से सुनो। अहंकार नहीं करना चाहिए, मायाचारी नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, राग द्वेष करतार कथा कभी आदर करो। हाउ कैन वी, कहते रहते विकथा में समय गमाना नहीं चाहिए, इन बातों का आदर करो, बड़े आदर से सुनो, आचरण करो। नहीं इससे बड़ा पाप नहीं है कोई। अगर जुर्माने नहीं सुनोगे तो तुम्हारी कोई नहीं सुनोगी, जांच क्या है कौन चले जाए, सुनाई सुनवाई नहीं होगी। कभी कभी कहने लगते लोग, हम साहब वहां थाने गए, फिर कचहरी गए, फिर हाईकोर्ट गए, कौन सुनवाई नहीं है। तो सुनवाई इसलिए नहीं है कि तुमने जुर्माने की नहीं सुनी। अगर जुर्माने सुनी होती तो न थाने जाना तो न कचहरी जाना तो कहीं जाना ही नहीं था। विकथा मत करो, निंदा मत करो, चुगली मत करो, ईर्ष्या मत करो, ये आदर के साथ सुनने लायक हैं और आचरण करने लायक है। ये व्यवहार नहीं का कथन है। परमार्थ से कहें तो अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर मत समझो, पर द्रव्यों का दोष मत देखो, पर को दुख का कारण मत जानो, पर में सुख की कल्पना मत करो, धर्म ध्यान में कष्ट की कल्पना मत करो, तपस्या में कष्ट की कल्पना मत करो, संसार में सुख की सपने मत देखो, मोक्ष में शून्यता मत देखो, मोक्ष में सुख सुख। ये अध्यात्म कथन हो गए, ये द्रव्यानुयोग शैली हो गई, ये चरणानुयोग शैली हो गई। अब हमारे शास्त्रों में जहां है वह सब। और एक बात बताएं आपको, हमारे देश में पहले अलग से स्कूल नहीं होते, अलग से पढ़ाई नहीं होती। गुरुओं के पास जाते थे बच्चे 5 वर्ष के, और वहीं से वे पढ़ लेते थे, और जो पढ़ने लायक थी सब पढ़ाई वहां हो जाती। और आप सूक्ष्मता से अध्ययन करो तो आपको मालूम पड़ेगा ऐसा कोई विषय नहीं है जो जैन शास्त्रों में न हो। अब शास्त्रों से विमुख होकर के उन विषयों के आसक्त जीवों ने अलग उसका कोर्स बना दिया, उसकी वो निकाल ली क्या अध्यात्म विद्या, और वो कोर्स अलग से बना ली। तुम्हारे काम लायक विज्ञान यहां लिखा है, तुम्हारे काम लायक राजनीति शास्त्र में लिखी है, अलग से राजनीति शास्त्र नहीं, समाज शास्त्र अलग से नहीं, तुम्हारे काम लायक यहां लिखे हैं।
तुम्हारी काम लायक आयुर्वेद लिखा है, खान पान लिखा है, व्यापार धंधा लिखा है, सब लिखा है। जो यहां नहीं लिखा है वो काम का है ही नहीं, ये समझ लो, उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। जितने में तुम्हें परमार्थ मिले, पारमार्थिक सुख मिले, जिससे तुम्हारा लोक जीवन आनंदमय हो, प्रशंसनीय हो तुम्हारा व्यवहार, सबकी सब बातें लिखी है। यही नहीं लिखा आत्मा बोलता नहीं है, ये भी लिखा सत्य बोलना चाहिए, हितमित प्रिय वचन बोलना चाहिए, ये भी लिखा है। लेकिन उस उन वचनों का अभिमान नहीं करना चाहिए, बोलने का, मैं सुंदर बोलता हूं, मैं बढ़िया बोलता हूं, मैं वक्ता हूं। अरे नहीं, तू ज्ञाता है, ज्ञाता समझे बिना वक्ता होता ही नहीं। जिंदगी भर इसका स्वाद जाय कर लो या, ये पतन का मार्ग है, अपने से चुत हुआ और बस ऐसे देखने लगे, कहा देख रहे, तो कुछ नहीं देख रहे, पतन का मार्ग है। आज सामान्य रूप से ऐसे देखेगा, कल इनमें से कुछ कल्पना करेगा इस समझ की, और फिर एक चक होकर के देखेगा, और फिर उसमें करेगा, ये तेरी क्या है। पर द्रव्य को देखने की वांछा पाप है, अरे अपने स्वरूप में नहीं रह पाते तब भी ज्ञानी उन्हीं को देखते हैं जो अपने को देख रहे हैं, भगवंतों को। किन को देख रहे हैं? आपने पढ़े होंगे, सीता ने स्वयंवर में वरमाला किसको डाली? जो सीता की ओर देख रहे थे उनको नहीं, जो अपनी ओर देख रहे थे वो है। सीता ने अपने को विचार किया, वो आत्मन वरण करने लायक हुआ है जो अपनी ओर देख रहे। ये तो सीता की बातें हैं, अब भाई उस पुराणों में लिखी हैं, झूठी नहीं है ये, हम नहीं कह रहे, लेकिन हम तो बिल्कुल सही घटना सुना रहे आपको। एक लड़की थी और पढ़ती, थोड़ी उम्र हो गई, समझदार हो गई, उसको देखने वाले आ रहा है लड़का बड़का आगे, तो ऊपर के कमरे में ठहरा दिया। अब वो लड़की अपने तैयार हो रही है, तो वो बीर 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 ऐसे देख, लड़की की निगाह पड़ गई कि ऐसे बीर बीर देखता नहीं थी वो। देखने की रस्म अदा हो गई, मतलब उसने देखा, गाया, सुना, बजाया, जो कुछ करते हम क्या जाने उन्हें, हमारा मतलब। उसने कहा ठीक, लड़के ने बोला ठीक है हमें पसंद है, लड़की ने तुरंत कहा हमें आप पसंद नहीं, पिताजी हमें ये लड़का पसंद नहीं। बेटा है? बेटा नहीं, ये हमको पसंद नहीं। क्यों? इसको इतना धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है। अभी हम पुस्तक एक दिख रहे दोपहर को, एक अवगुण अनेक अवगुणों को साथ में लेता हुआ आता है, एक अवगुण अनेक अवगुणों को साथ में लेता हुआ आता है। एक घुस गो फिर का पूछो, चलो हम घुसे, चलो हम भी घुसे, चलो हम भी घुसे। एक अवगुण अनेक अवगुणों को साथ में लेकर के आता है। शराबी शराब के नशे में मांसाहार करेगा और उसके होश में नहीं आएगा तो वो व्यभिचार करेगा, और जब मरेगा पिटेगा तो चोरी करेगा। ज्वारी को पवित्रता कहां? ये व्यसनों के प्रसंग में तमाम बातें लिखी हैं भाई। वरण करने लायक वह है जो अपनी ओर देखे, देखा आराम से बैठे। सीता ने कहा देखो ये मुद्रा देखने लायक है, कौन सी? जो अपनी ओर देख रहे। लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार में, और परमार्थ में तो है ही,
ये बीतराजी परमेश्वर ही देखने लायक हैं, देखो इनको। अरे हम तो बार बार कहते भैया इन भगवंतों को देख करके भी तुम्हें अपनी ओर देखना नहीं आया तो तुमसे बड़ा पापी और अभागा कोई नहीं है। तुम्हारे अंदर में भूख ही नहीं लगी। किसी आदमी को देखते हैं, महाराज आपकी जन्मभूमि कहाँ है, महाराज आपके पिताजी, आपकी मां, आपका आपकी शिक्षा कहाँ हुई, आपके गुरु कौन है, जिज्ञासा होती कि नहीं होती। तो इन भगवंतों को देख करके जिज्ञासा नहीं हुई, ये दशा कहां से आ गई। इस वितरागता की सर्वज्ञता की जन्मभूमि कौन है, इसका मूल क्या है। सम्यक जिसका मूल है वह धर्म मेरा रे, इसका मूल कौन है, ये कौन से वृक्ष पर ये फल आते हैं, माने इन भगवंतों को देख करके भी दर्शन करके भी यदि अपने को देखने की जिज्ञासा ही नहीं जगी तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, कामनाओं को पूरी करके रूढ़ी पूरी करके चले गए। शब्द लिखे हैं बोलो ना, भागचंद शिव लाल चलाग्यो पहुंच नहीं है जहां जम की, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। ये सुनने पर मोक्ष की लालसा जलती है, संसार की लालसा टूटती है, संसार पाने लायक नहीं है, एक मोक्ष दशा पाने लायक। भगवंतों की मुद्रा भी यही है, निज की याद दिलाते हो हैं? बोलो लिखा कि नहीं, धन्य दशा पद्मासन की चाह जगी मोहि दर्शन की, चाह जगी मोहि दर्शन की वीर चरण स्पर्शन की। अब तुम समझोगे ही नहीं कछु, हमने इनसे कहा था भैया हमने क्या है, शब्द तो यही है लेकिन तुम उसका बहिरात्मा बाहर का अर्थ कर देते हो, भीतर से अर्थ करना सीख लो। चाह जगी मोहि दर्शन की, दर्शन करके दर्शन की चाह जगी, इसका क्या अर्थ हुआ। दर्शन करते हुए और दर्शन करे और दर्शन की चाह जगी, तो कुछ अर्थ होगा इसमें से नहीं, भीतर घुसा हुआ अंतर्गर्भित होगा इसमें अर्थ के नहीं, बोलो। हे प्रभु आपका दर्शन किया तो हमें अपने दर्शन की चाह जगी, कि हम भी ऐसा ही आत्मदर्शन करें, हमको भी ऐसा ही सम्यक हो, हमारी भी ऐसी दृष्टि हो, हमारी भी ऐसी वितरागता हो। वीर चरण स्पर्शन की, वीर के चरणों पर चलने की, माने वीर भगवान ने कौन से चरण पर चले बोलो, कौन सी नशेनी पर चढ़े, कौन से चार पर चढ़े, उसी चरण पर चढ़ने की। ध्यान धर्म दस्तैन धर के सिर महल में पग धर। अब तुम उसका अर्थ नहीं करो, बस भाई बी चरण इस पर्सन की और चाहे नहीं वो दर्शन की, बस इतना ही करके रह जाओ तो हम क्या करें इसके लिए, हम क्या करें बताओ। विचार करो, दर्शन करके दर्शन की चाह जगी, इसका मतलब क्या हुआ। दर्शन तो हो रहे, दर्शन की चाह क्या हो गई, और दर्शन करने पर कोई आनंद होना चाहिए, क्या कहा कि हाँ दर्शन करने पर दर्शन की चाह जगी और जब अपना दर्शन हुआ तो आनंद हुआ, चाह मिटी। बाहर में तो चाह जगी और भीतर में चाह मिटी, और जब उस आचरण पर चली, स्वानुभव के मार्ग पर चले, ऊपर के गुणस्थानों में क्या 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 अंतर है, मनता भी ठीक है, आनंद तो वही है जो चौथे गुणस्थान में प्रकट हुआ, लेकिन मग्नता विशेष विशेष है, मग्नता विशेष होती आती है, अंत में स्वरूप में मग्न होते हुए अपने परम पद को प्राप्त होते प्रकट होते, और है क्या।
उत्थान का मार्ग भीतर है, कल्याण का मार्ग भीतर है, सुखी होने का मार्ग भीतर है, स्वाधीनता का मार्ग भीतर है, तृप्ति का मार्ग भीतर है। ये विषयों के ग्रहण का मार्ग पतन का मार्ग है। पतन विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी करना गए तो पावे सुख से। वाणी की ज्ञान पे सूझे लोकालो, सुवाणी मन सतन दाती तुम दो। ओम नमः।